नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रदीप पांडे स्वागत करता हूँ आपका अपने वीडियो के इस अंक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2020 में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पांच हॉट आईटी जॉब्स के बारे में। दोस्तों, ये जो जॉब्स हैं वो साल 2020 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली हैं। तो दोस्तों, कौन सी जॉब्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होंगी 2020 में और आने वाले वर्षों में भी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जॉब होगी वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जॉब। तो दोस्तों, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन या पीएचपी डेवलपमेंट सीखना होगा, और इसमें आप लैंग्वेजेस सीखने के बाद में अपना करियर बना सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। अभी भी आप देखिए, हम मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ढेर सारे ऐप्स को डाउनलोड करते रहते हैं, इंस्टॉल करते रहते हैं, और इन ऐप्स को हम अगर बनाना सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे पास ढेर सारा करियर होगा। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर जो जॉब आती है वो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है। डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है, क्योंकि अभी से ही इसने मार्केट में अपनी पूरी वैल्यू प्रूव कर दी है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा स्कोप है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप बिल्कुल सटीक करियर बना सकते हो और ढेर सारी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स पढ़ने होंगे, समझने होंगे, उनको प्रैक्टिस करनी होगी, और आजकल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आते हैं, आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं और उनमें अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक ऐड का सहारा ले सकते हैं, आप गूगल ऐड्स का सहारा ले सकते हैं। इसको आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में आप एक सफल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा करियर आने वाला है, ये बूम पे जाने वाला है बिजनेस, और इसमें आप अपना बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो जॉब आती है वो है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है हम एक क्लाउड बनाते हैं और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होता है हम वहाँ से इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, आप जितनी भी आजकल न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं आप देख रहे होंगे, उन्होंने अपना एक क्लाउड बनाया होता है, और इसलिए उनको क्लाउड कंप्यूटर इंजीनियर्स की ज़रूरत आने वाले समय में होने वाली है। तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा और उसमें आपको स्टडी करनी होगी। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर जो जॉब आती है वो है एमएल इंजीनियर्स की जॉब। एमएल इंजीनियर्स मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे मैक्सिमम जो काम होंगे वो मशीनें कर रही होंगी, और मशीनों को हमें क्या करना होगा, मशीनों को हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना होगा जिसके थ्रू वो सारे काम को कर सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने का जो काम होगा वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स करेंगे। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के पास में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डिवाइसेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकें थ्रू प्रोग्रामिंग, और उसके बाद में जो मशीनें होंगी वो मैक्सिमम ह्यूमन के टास्क को रिप्लेस कर देंगी और वो खुद कर रही होंगी। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड्स में हम डिवाइसेस क्या करेंगी, ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाली हैं। तो इसलिए मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भारी डिमांड में आपको 2020 में दिखेंगे। इसलिए मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के
फील्ड में बहुत ढेर सारा करियर छिपा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट जो फील्ड आती है वो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है डेटा एनालिस्ट की फील्ड, क्योंकि आप अगर देखें तो आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यूज़र्स की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। यूजर्स डे टू डे बेसिस पे अपना अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स अपडेट करते हैं, प्रोफाइल में चीज़ों को इंसर्ट करते हैं। उन सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको स्टोर करने के लिए, आपको मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों डेटा एनालिस्ट की फील्ड में भी बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 5 हॉट आईटी जॉब्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अभी से ही लग जाइए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करके और उसमें अपना बिल्कुल फोकस हो करके करियर बना लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।